चलो बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने इनकम्प्लीट फ्लक्स का फॉर्मूला देखा था और इनकम्प्लीट फ्लक्स का फॉर्मूला होता था phi is equals to q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta, और मैंने आपको कहा था यहाँ पे थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, सेमी वर्टेक्स एंगल। दिस थीटा इज कॉल्ड सेमी वर्टेक्स एंगल। तो अब इससे रिलेटेड हमको क्या करना है बेटा, कुछ एप्लीकेशंस करना इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। और मैंने आपको एक और चीज कही थी कि इनकम्प्लीट फ्लक्स सभी एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल इफ कोन फॉर्म्स। अगर कोन बनता है सिर्फ और सिर्फ तभी जो है वो आपका इनकम्प्लीट फ्लक्स एप्लीकेबल है, अदरवाइज इनकम्प्लीट फ्लक्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिंग है जिसका रेडियस r है और इस रिंग के सेंटर से r by root 3 डिस्टेंस दूर एक चार्ज रखा हुआ है q, इसका फ्लक्स हमें निकालना है। तो सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ q चार्ज इज प्लेस्ड r root 3 distance, r root 3 distance from the center of the ring। तो सबसे पहला सवाल ये सबसे पहले तुमको ये समझना है बेटा कि ये कोण बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो कोण बिल्कुल बना रहा है, देखो एक लाइन तो पहले से है, एक लाइन यहां से निकाल दो, ये भी r रेडियस होगा, तो कोण बन रहा है। अगर कोण बन रहा है तो इनकम्प्लीट फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं q by 2 epsilon naught 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस आर बाय 3 आर रूट थ्री और जो हाइट है वो कितना है बेटा r। तो हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू, हमें पता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा r और बेस हो जाएगा r रूट 3, r r गेट कैंसिल। तो हमारे पास जो टर्म आएगा बेटा जल्दी से tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय रूट 3 के टर्म में, थीटा इज इक्वल्स टू कितना बेटा 30 डिग्री। तो बस phi इज इक्वल्स टू q by 2 epsilon naught 1 minus cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप सब लोगों को पता होना चाहिए root 3 by 2। तो flux is equals to कितना आ जाएगा q by 2 epsilon naught 1 minus root 3 by 2, ये तुमको इसका आंसर मिल गया। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का सवाल है कि ये है आपके पास एक होलो सिलेंडर, we have a होलो सिलेंडर, मान लो इस तरीके का एक होलो सिलेंडर है जिसका रेडियस है कैपिटल R और जिसकी लेंथ है बेटा 2R, ठीक है, और एक चार्ज जो है इसके बिल्कुल सेंटर पे पड़ा हुआ है क्यों, हमें पूछा गया है कि बताएं फ्लक्स कितना होगा थ्रू दिस टू प्लेन सरफेस एंड वन कर्व सरफेस। देखो सिलेंडर के पास कितने सरफेसेस होते हैं बेटा, सिलेंडर के पास कुल मिला के 3 सरफेसेस होते हैं, दो सरफेस प्लेन होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड, और एक जो होता है वो कर्व्ड सरफेस होता है बेटा। हमें इस केस में इसका फ्लक्स निकालना है, तो सबसे पहले अगर फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको ये समझ में आया कि कोन बनता है नहीं बनता है। तो देखो यहां से एक लाइन फॉर्म, तो कोन बन गया, और हम जानते हैं टोटल एंगल कितना होता है बेटा 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45। तो इसमें एक टेंशन तो खत्म हो गई कि हमें सेमी वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, सेमी वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें पता है बेटा 45 डिग्री जो होगा वो होगा तुम्हारा सेमी वर्टेक्स एंगल। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला जानते हैं q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू q by 2 epsilon naught 1 minus cos 45 डिग्री, क्योंकि बेटा एंगल कितना बन रहा है सेमी वर्टेक्स का 45, cos 45 होता है बन रहा है root 2, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू q by 2 epsilon naught 1 minus 1 by कितना आ गया बेटा यहां पे root 2। तो ये मिला तुमको फ्लक्स q by 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2। तो ऐसे कितने सरफेसेस हैं बेटा, दो सरफेसेस हैं, तो अगर मैं
ये हमारा लेफ्ट होगा और यही क्या होगा फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस भी। तो फाई नेट की अगर बात करूं मैं तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट प्लस फ्लक्स थ्रू क्या बेटा राइट होना चाहिए ये। तो हम क्या करेंगे फाई नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय कितना बेटा रूट 2 2 2 गेट कैंसल्ड। तो फाई नेट इज इक्वल टू कितना आ गया q बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय कितना बेटा रूट 2। क्लियर हो गई बात सबको। तो अब हम फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस भी निकाल सकते हैं क्योंकि प्लस कर्व सरफेस अगर यहीं पे जोड़ दूं मैं तो अब हम कर सकते हैं हमारे पास जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा बेटा q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये हो जाएगी q by epsilon naught, तो हम यहाँ लिख सकते हैं it is q by epsilon naught which will be equals to एक दोनों को ऐड करके आया तुम्हारे पास q by epsilon naught 1 minus 1 by root 2 और साथ में क्या बेटा flux through curve surface। तो हम find कर सकते हैं यहाँ पे कि ये भी capital Q ही रखो इसको हम क्या करें इस वाली टर्म को इस तरफ ले आए तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा q by epsilon naught minus q by epsilon naught minus क्या मिलेगा बेटा q by root 2 epsilon naught is equals to flux through क्या बेटा curved surface। तो अगर हम इससे आगे सॉल्व करें तो देखो यहां से ये और ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा अगर सॉल्व करें तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस विल बी q बाय रूट 2 और साथ में क्या बेटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए आपको इनकम्प्लीट फ्लक्स के जहां भी कोण बने वहां पे आप इनकम्प्लीट फ्लक्स को निकाल सकते हैं बेटा बस सिर्फ ध्यान रखना कि ये थीटा जो भी एंगल तुमको दिया होगा उससे आधा दिया होगा। हालांकि मैं एक और एप्लीकेशन से इसको अप्रोच करके दिखा देता हूं मान लो मेरे पास ये एक हेमिस्फीयर है और चार्ज यहां पे सेंटर में तो समझना इधर से और इधर से मतलब टोटल एंगल हो गया 180 तो इसके बीच से जितनी भी लाइंस निकलेंगी वो सब फ्लक्स की पार्ट होंगी। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला ऑफ है q by 2 epsilon naught 1 minus cos और साथ में थीटा समझ रहे हो बात को। तो cos थीटा अब हमें थीटा की वैल्यू सेमी वर्टेक्स एंगल लेना है तो सेमी वर्टेक्स एंगल मतलब कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू q by 2 epsilon naught 1 minus cos 90 और हम जानते हैं cos 90 कितना होता है बेटा 0 तो flux is equals to कितना आ गया q by 2 epsilon naught। अब symmetry method से भी यही answer आया था और incomplete flux के formula से भी यही answer आया मतलब हमारा formula क्या है बेटा valid है। this is all about incomplete flux। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें derivation तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और उसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम से अब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। थैंक यू।